अनुपमा स्टार प्लस का पॉपुलर टीवी शो है। इस सीरियल के जरिए मेकर्स कोई न कोई सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जाने अनजाने में मेकर्स कुछ ऐसे ट्विस्ट लाए जिनसे लोगों का भरोसा अच्छे काम करने से उड़ गया है। अब तक शो में दिखाए गए ट्रैक पर दर्शक सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स लिख चुके हैं। जाने अब तक आए बड़े ट्विस्ट में सीख के बजाय लोगों का ध्यान किन नेगेटिव बातों ने खींचा है। प्यार पर से उठा भरोसा। रिसेंट ट्रैक की बात करें तो सबसे बड़ा झटका लोगों को तब लगा जब छोटी सी बात पर अनुज अनुपमा को छोड़ गया। जब शो में माया की एंट्री हुई तो दर्शकों को पूरा भरोसा था कि अनुज कभी नहीं भटकेगा। शो की यूएसपी अनुज का अनुपमा के लिए प्यार था, जिसने 26 साल तक अनु का इंतजार किया और एक झटके में सब कुछ भुलाकर अनुपमा को अकेला छोड़ गया। दर्शकों को अनुज का छोटी अनु के लिए ओवर रिएक्ट करना और अनुपमा को छोड़कर जाना जरा भी रास नहीं आया। बच्ची गोद लेकर होगा पछतावा। अनुपमा और अनुज ने बच्ची को गोद लेकर अच्छा काम किया, जिसका खामियाजा उनको अलग होकर चुकाना पड़ा। मेकर्स ने अनाथ बच्ची गोद लेने का मैसेज तो दिया, लेकिन आगे चलकर ट्रैक उल्टा हो गया। शो में छोटी अनु की वजह से हुई उथल पुथल को देखकर नेगेटिव मैसेज जाता है कि किसी बच्चे को गोद लेना कैसे भारी पड़ सकता है। रेप विक्टिम की मदद बनी मुश्किल। सीरियल में दिखाया गया है कि अनुपमा ने रेप विक्टिम डिंपल की मदद की, उसे अपनाया। यह अच्छा सोशल मैसेज था। हालांकि बाद में डिंपल खुद अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो गई, उसके घर में ही क्लेश मचाया, जिसके बाद दर्शकों ने इस पर निगेटिव कमेंट्स लिखे कि किसी की मदद करना भी गलत साबित हो गया। दूसरी शादी भी असफल। शो में अच्छा मैसेज दिया गया कि शादी की कोई उम्र नहीं होती, टॉक्सिक रिश्ता छोड़कर मूव ऑन कर जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दूसरी शादी भी चलने की गारंटी नहीं। अनुपमा में वनराज और अनुपमा दोनों की दूसरी शादी भी असफल हो गई। सबकी शादी में दिक्कत। शो देखने वाला दर्शक समझ नहीं सकता कि उसे अनुपमा जैसा बनना चाहिए या नहीं। वह अपनी बातों पर टिकी नहीं रह पाती। शाह फैमिली में न जाने की कसम खाने के बाद वह वनराज के बीमार होने पर भी वहां पहुंच गई। वहीं सीरियल में किसी की भी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।